तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिए दो टॉपिक, रिफ्रैक्शन पढ़ लिए दो टॉपिक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि लेंस पे बेस्ड टॉपिक था वो कर लिया है, और अभी हम लोग जो चीज इन सारे टॉपिक में नहीं पढ़े हैं, अब तक जितने भी टॉपिक आए हैं उनमें हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का सहारा लेते थे। जब मैं कहता हूँ मोनोक्रोमेटिक, इसका मतलब कि उसका एक कलर होता था, उसमें हमने कभी ये बात नहीं करी कि उसके एक से ज़्यादा कलर भी हो सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में पहली बार हम ये बात करेंगे कि एक व्हाइट लाइट जो सन से आती है उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं, और ये चीज कभी पहली बार देखी गई तो इस घटना का नाम क्या दिया गया, डिस्पर्जन। यार ये ब्लैक बनाई गई है, ये एक्चुअली में व्हाइट लाइट है, मेरे पास व्हाइट कलर नहीं है तो मैं ऐसे बना देता हूँ। एक व्हाइट लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में डाली जाती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर में टूट जाती है। कॉन्स्टिट्यूट कलर मतलब ये फेमस पैटर्न है वॉयलेट से लेकर रेड तक, है ना, विब्योर पैटर्न इसको बोलते हैं। तो यार ये सिंगल रिफ्रैक्शन में ऐसा हमें देखने को मिलेगा अलग अलग कलर में टूटना, और उससे बेटर हमें ये अलग अलग कलर में टूटने की घटना प्रिज्म में देखने को मिलती है। यानी अगर मैं कहूँ कि व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में डाली जाती है तो उसकी दो बार टर्निंग इन्वॉल्व होती है, पहले सरफेस वन पे फिर सरफेस टू पे, और जब दो दो बार टर्निंग होती है तो ये जो कलर में टूटना है ये ज़्यादा अच्छा अलग अलग होके सामने आता है। यानी जितना अच्छा डिस्पर्जन हमें पहले देखने को नहीं मिल रहा था उतना अच्छा डिस्पर्जन हमें प्रिज्म में देखने को मिलता है। खैर, तो अभी मेरा यहाँ डिस्पर्जन से मतलब क्या है, सबसे पहली बात कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। तो डिस्पर्जन का सिंपल मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट को उसके कंस्टिट्यूट कलर्स में अलग अलग होना किसी रिफ्रैक्शन प्रोसेस के जरिए, रेड की टर्निंग अलग होना, वायलेट की टर्निंग अलग होना, तो इन रेड और वायलेट के बीच में एक फासला बन जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। रे ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास, बेंडिंग ऑफ डिफरेंट कलर विल बी डिफरेंट एंड द रिजल्ट रिफ्रैक्टेड रे विल बी अ पेंसिल ऑफ मल्टी कलर्ड रेज। तो ये कई कलर की रेज में वो चीजें एमिट हुई हैं, यानी रेज कई कलर में एमिट हुई है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, वो हम सिंगल बाउंड्री से भी कर पा रहे थे और प्रिज्म से और अच्छा कर पा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो डिस्पर्जन में हम लोगों को इस टॉपिक में देखा जाए तो किस तरह के मेजरमेंट की बात करना है। मैंने यार अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्पर्जन सिंगल बाउंड्री से दिखाया था, ये इसमें वॉयलेट और रेड के बीच का ये जो गैप है, और इसमें जो मैंने दूसरा वाला दिखाया इसमें रेड और वॉयलेट के बीच का जो एंगुलर गैप है, किसमें ये एंगुलर गैप ज्यादा बढ़िया है? इसमें ज्यादा बढ़िया है। बेसिकली रेड से वॉयलेट के बीच में जितने भी कलर हैं वो जितना ज्यादा एंगुलर स्पेस लेंगे हम कहेंगे उसका डिस्पर्जन उतना बढ़िया हुआ है। भाई कलर को अलग अलग करना हमारा मकसद है। अगर यहाँ एक पर्दा रख दिया जाए तो पर्दे पे उस साफ साफ देखा जा सकता है अलग अलग कलर, और उस कलर के ग्रुप को, जैसे यहाँ पर्दा रख दिया जाए तो यहाँ रेड, यहाँ ऑरेंज, यहाँ येलो, यहाँ ग्रीन, ये सब देखने को मिलेगा। और इस कलर पैटर्न को नाम दिया गया था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम नाम पहली बार न्यूटन ने दिया था डिफरेंट कलर को। येलो वाला यहाँ येलो पैटर्न देगा, रेड वाला यहाँ रेड स्पॉट देगा, है ना, ऑरेंज वाला यहाँ ऑरेंज देगा लेकिन बन नहीं पाएगा, ठीक है, वॉयलेट वाला यहाँ वॉयलेट देगा, ठीक है। तो ले देखे यार इस पूरे पर्दे पे जो पैटर्न बना था डिफरेंट कलर का उसको हमने क्या बोला, स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम किस घटना की वजह से हुआ है, डिस्पर्जन, रे का अलग अलग होना, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। तो यार यहां पर ये सब इसलिए हुआ है कि हर कलर टर्न किया है। अगर रे टर्न ना होती तो अलग अलग भी नहीं होती। क्या सारे कलर की टर्निंग एक जैसी हुई है? क्या रेड कम टर्न हुआ है और वॉयलेट सबसे ज्यादा टर्न हुआ है? अगर टर्निंग ना होती, मान लिया मैं कह दूं व्हाइट लाइट किसी स्लैब को डाल दी जाए, ऐसे व्हाइट लाइट ऐसे स्लैब को जाई जाए सीधे सीधे, तो क्या ऐसे जीरो डिग्री पे डाली गई रे की टर्निंग नहीं होती है तो वो अपने अंदर सारी रेस को समाये रखेगा मगर वो अलग अलग नहीं हो पाएंगी। ये घटना हुई है तो किस वजह से हुई है, रिफ्रैक्शन होने की वजह से। बात क्लियर है? और इस डिस्कशन में मतलब हम किस चीज की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रेड और वॉयलेट के बीच के एंगल की, और इसको हमने नाम दिया है क्या, एंगुलर डिस्पर्जन। क्या नाम दिया, एंगुलर डिस्पर्जन। तो सोचो तुम्हें यह पता हो कि रेड कितना टर्न करी है, रेड का डेविएशन
वॉयलेट कितना टर्न करी है, यानी वॉयलेट का डेविएशन, तो क्या हम इनके बीच का एंगुलर फासला निकाल सकते हैं? तो मैंने यार एक टर्म दिया है डेल्टा आर, यानी रेड का डेविएशन, डेल्टा वी मतलब वॉयलेट कितना टर्न करी है अपने ओरिजिनल रास्ते से, रे ऐसे जा रही थी, रेड कितना टर्न करी, वॉयलेट कितना टर्न करी, और उसके बीच का जो एंगुलर फासला होगा उसका नाम हमने क्या दिया है, एंगुलर डिस्पर्जन। क्या नाम क्लियर है? और हमें इस टॉपिक में मेनली अगर किसी बात चीज की बात करना है तो एंगुलर डिस्पर्जन की बात करना है। क्या मैं कह सकता हूं वॉयलेट का एंगल ज्यादा है, वो अपने रास्ते से ज्यादा भटका है, रेड कम भटका है, और उसके बीच का जो एंगुलर गैप है यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इस डिफरेंस को हम एंगुलर डिस्पर्जन कह सकते हैं। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है, या यहां कुछ और बात करें, कुछ नोट करना चाहेंगे? नहीं, तो अभी यार मैंने बताया कि यार ये अलग अलग टर्न करी है, तो बात आती है यार कि ये अलग अलग टर्न क्यों करी है। अगला सवाल यही उठेगा कि ऐसा क्या था कि सारी कलर की लाइटें सेम टर्निंग नहीं करी है। हम लोगों ने यार क्या बताओ, रे की टर्निंग के लिए स्नेल लॉ पढ़ा था, एन वन साइन थीटा वन एन टू साइन, क्या बताया हर कलर इस व्हाइट के अंदर मौजूद है तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है लेकिन सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सबके लिए या तो स्नेल लॉ अलग लगाया जा रहा है या तो हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसे नहीं होते हैं, लॉ वही है। तो ऐसा देखा जाता है कि यार जब तक हर कलर की लाइट वैक्यूम में होती है ना, जब तक लाइट वैक्यूम में होती है तब तक हर कलर सेम स्पीड से चलता है। हर कलर की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। यानी ये व्हाइट लाइट जब तक ये एयर में या वैक्यूम में चल रही थी तब ये कितनी स्पीड से चल रही थी? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो यार ये व्हाइट लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड चली थी लेकिन जब ये मीडियम के अंदर जाएगी तो हर कलर की स्पीड एक जैसी नहीं होती है, ऐसा देखा गया। तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइंड था? स्पीड से डिफाइंड था। मीडियम के अंदर जाने के बाद हर कलर की स्पीड अलग अलग हो जाती है और वो स्पीड इस क्रम में है। ओके, ये क्रम में लिखना था। ओके, विब ग्योर, ये नाम विबग्योर दिमाग में रखें तो उससे तुम्हें क्रम पता चल जाएगा, है ना। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी अफेक्ट होती है तो वायलेट की, और सबसे कम किसी की स्पीड अफेक्ट होती है तो वो रेड की। यानी यार मीडियम के अंदर जाने के बाद वायलेट पे फर्क सबसे ज्यादा पड़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का, और सबसे कम किसका होगा? रेड का। इसके लिए हम ऐसे एक फॉर्मूला याद रखते हैं, कॉचीज इक्वेशन बोली जाती है, कॉचीज। हाँ, यस, वॉयलेट सबसे स्लो ट्रेवल करेगा तभी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। यस कह सकते हैं, क्योंकि स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। मैं सीधे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बता रहा हूं तो बाकी तुम यार स्पीड के बारे में तो जानते हो, स्पीड 1/n से रिलेटेड होता है। देखिए ये कॉचीज इक्वेशन क्या बताती है कि n की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू के साथ कुछ टर्म जोड़ के बनती है। ये पूरी सीरीज है जिसमें लेमडा नीचे है, लेमडा सबसे नीचे है। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है लेमडा का रेड कितना होता है? रेड का लेमडा कितना होता है? 700 नैनोमीटर के आसपास। और वॉयलेट का लेमडा कितना होता है? 400 नैनोमीटर के आसपास। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला क्या सजेस्ट कर रहा है? जिसका लेमडा कम होगा, या नीचे है ना लेमडा, तो जिसका लेमडा कम होगा उसके लिए एन ज्यादा होगा। बस इस फॉर्मूले से हमें यह अंदाजा लगाना है कि लेमडा स्मॉल, दिस इंप्लाइज एन ग्रेटर। तो यार सबसे ज्यादा एन किसका होगा? क्या बता यार सबसे ज्यादा एन किसका होगा? वॉयलेट का। और सबसे कम एन किसका होगा? रेड का। ये बातें हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है।
सबसे ज्यादा, और स्पीड का एन से लेना देना ही है। तो यार अगर रेड का एन सबसे कम है तो रेड की स्पीड मीडियम के अंदर सबसे ज्यादा होगी और वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होगी, वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। बट मुद्दा मेन लेमडा को लेके पूछा जाता है, तो लेमडा हम किससे तय करते हैं? कॉचीज इक्वेशन से। लेमडा सबसे कम किसका होता है ये बात हमें पता है पहले से, सबसे कम लेमडा किसका होता है? वॉयलेट का। तो लेमडा वॉयलेट सबसे कम होता है, तो लेमडा अगर स्मॉल होगा दिस इंप्लाइज एन ग्रेटर। तो सबसे ज्यादा एन किसका होगा? वॉयलेट का, और सबसे कम इफेक्ट इंडेक्स किसका होगा? रेड का। बात कह रहे, तो सबसे ज्यादा एन जिसका ज्यादा होगा क्या उसके लिए टर्निंग भी ज्यादा होगी? जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा उसकी टर्निंग, यानी यार इस व्हाइट लाइट को जब स्प्लिट करेंगे तो बहुत सारे कलर की लाइट निकलेंगी, सबसे ज्यादा टर्न करने वाली वॉयलेट होगी और सबसे कम टर्न करने वाली क्या होगी? रेड, है ना। और बीच में जो लाइट रे होती है वो येलो होती है। चलो यार वॉयलेट को मैं ब्लू से बना देता हूं, वॉयलेट थोड़ा सा ब्लू से अलग होता है। तो सबसे ज्यादा टर्न करने वाली वॉयलेट होगी और सबसे कम टर्न करने वाली रेड होगी। नाम के हिसाब से तो ग्रीन बीच में आता है नाम के हिसाब से, लेकिन टर्निंग के हिसाब से येलो का जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है वो लगभग बीच की वैल्यू रखता है। कई बार ऐसा होगा कि यार हमें रेड का रिफ्रैक्ट इंडेक्स पता होगा NR, वॉयलेट का पता होगा NV, और येलो का अगर हमें अपने मन से चूज करना पड़ जाए तो NY येलो का रिफ्रैक्ट इंडेक्स हम लोग अंडर रूट ऑफ NV NR कर देते हैं। और अंडर रूट करके NV NR करोगे तो वो बीच की वैल्यू बनेगी। कुछ लोग इसको NV+NR/2 कर देते हैं तो वो भी लगभग बीच की वैल्यू बनेगी। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ये मैथ्स वाले समझ सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। और इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, है ना। अगर हमें किसी का मीन यानी बीच की वैल्यू निकालना हो तो आमतौर पे ये या ये यूज कर सकते हैं और दोनों की वैल्यू लगभग सेम आएगी। यार एन में बहुत मामूली से फर्क होता है, अगर एक का 1.5 है तो एक का 1.51 है तो एक का 1.52 है, ऐसा बारीक सा अंतर होता है। तो येलो को हम क्या बोलते हैं? येलो को हम लोग मीन रे बोलते हैं। और लॉजिक क्या है मीन रे का? क्योंकि येलो रे आमतौर पर कहां रहती है? बीचों बीच रहती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मीन रे। यानी बाई डिफॉल्ट येलो को हम लोग क्या बोलेंगे? मीन रे। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? टर्निंग करने के बाद बीचों बीच होगा। यस, सही पहचान। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई है? तो अभी हम लोगों ने यह देखा कि डिस्पर्जन के कारण क्या है। डिस्पर्जन का कारण है रिफ्रैक्ट इंडेक्स का अलग अलग होना। रिफ्रैक्ट इंडेक्स अलग अलग होगा तो क्या बताओ, स्नेल लॉ हर कलर का अलग अलग लगेगा। रिफ्रैक्ट इंडेक्स अलग तो टर्निंग अलग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग तो सबकी टर्निंग अलग। क्या बात समझ में आ गई? तो यार डिस्पर्जन को हम लोग पहले सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन के लिए समझेंगे, फिर डबल बाउंड्री रिफ्रैक्शन स्लैब के लिए, देन प्रिज्म के लिए। ये तीन चीजों में हम लोग डिस्पर्जन का डिस्कशन अक्सर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन के लिए, यानी यार एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे गई है, एयर से ग्लास में गई है, और ग्लास के लिए हम क्या देखेंगे यार कि हर रे अलग अलग टर्न करी है। तो अब यार यहां पे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? यार हम यहां डिस्कस कर सकते हैं कि रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, है ना। आर आर कितना है और क्या डिस्कस कर सकते हैं? आर वॉयलेट कितना है और क्या डिस्कस करते हैं? वॉयलेट और रेड के बीच का एंगल क्या? यही तीन चीजों पर हम इंटरेस्टेड होते हैं। नहीं, अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा था कि रेड की टर्निंग, वॉयलेट की टर्निंग, और तो खैर टर्निंग का मतलब है जैसे ये रे जहां जिस रास्ते जा रही थी वहां से कितना टर्न करी इसको बोलेंगे डेल्टा आर, और वॉयलेट कितना टर्न किया इसको बोलेंगे डेल्टा वी। यार डेल्टा यानी डेविएशन,
आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डेल्टा लाने का है या आर लाने का है? यार हमारे पास मान लिया इस ग्लास के लिए हमें एनवी पता हो, एनआर पता हो, तो हम क्या ला सकते हैं इजीली? आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ला सकते हैं या डेविशन ला सकते हैं? एंगल। हम क्या करेंगे, एयर के लिए सबका रिफ्रैक्ट इंडेक्स हर कलर के लिए 1 है, तो हम क्या लगाएंगे, 1 साइन आई इज इक्वल टू एन आर साइन आर आर। ये स्नेल लॉ मैंने किस कलर के लिए लगा दिया, रेड के लिए। इसी तरह से 1 साइन आई इज इक्वल टू एन वी साइन आर बी, ये मैंने किस कलर के लगा दिया? क्या यहां से हम लोग आर आर एंड आर बी निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं। तो मुझे बताएं डेल्टा आर और डेल्टा वी क्या होगा, क्या आर के टर्म में लिखा जा सकता है, और थीटा क्या होगा वो आर के टर्म में लिखा जा सकता है? पहले मुझे बताओ थीटा क्या होगा, मुझे बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेड का ज्यादा है या वायलेट का ज्यादा है? किसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है? जिसका एन ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, वो ज्यादा टर्न करी है ना, इसलिए। तो वॉयलेट का एन ज्यादा है इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, आर वॉयलेट कम है, आर आर ज्यादा है। तो क्या आर रेड ये है, इसको मैं आर रेड कह रहा हूं, ये आर वॉयलेट है, क्या इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम एंगुलर डिस्पर्जन कह सकते हैं? यानी थीटा लाने के लिए तुम्हें क्या करना है, आर आर माइनस आर बी, क्या बीच का एंगल आ जाएगा? अच्छा बताओ डेल्टा आर और डेल्टा बी कैसे लिख सकते हैं? डेविएशन होता है। मुझे बताओ रेड की टर्निंग बताना हो, जिस रास्ते वो जा रही थी और जहां अब रेड जाने लगा, तो क्या ये जो रास्ता है ये रेड कलर का भी है, ये वायलेट का भी है? पहले तो व्हाइट लाइट के अंदर ही सारी लाइट थी, तो ये रास्ता हर कलर का पुराना वाला है, और ये वाला नया रास्ता है रेड का, तो उसके बीच का एंगल डेल्टा आर क्या होगा? ये जो एंगल आई था व्हाइट का में से आर आर सबट्रैक्ट कर दो, क्या ये आई है तो ये पूरा भी क्या होगा, आई होगा, में से आर आर सबट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आई माइनस आर आर, नहीं। और अगर मुझे डेल्टा वी लाना हो तो क्या इस पूरे एंगल में से आर वी सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या एंगल हमारा आ जाएगा डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होगा, आई माइनस आर बी। क्या इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं? मैं बता दूं आर आर और आर बी बहुत गंदे लुक में ही निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट आंसर नहीं आएंगे। अगर किसी को आर आर यहां से लिखना पड़ जाए तो बड़ा गंदा आंसर लिखोगे, साइन आई अपॉन एन आर इज इक्वल टू साइन आर आर, तो साइन आर आर यहां से हटाओगे तो लिखोगे साइन इनवर्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर आर का आंसर यहां से आएगा साइन आई बाई एन आर और साइन इनवर्स, नहीं। इसी तरह से कोई कहते आर बी का आंसर क्या आएगा, वो आएगा साइन इनवर्स साइन आई अपॉन एन बी। ये सब यहां रखोगे तो क्या बात समझ पा रहे हैं, बहुत गंदे लुक आएंगे, बट हमें जानकारी होना चाहिए, स्नेल लॉ हमने सबने पढ़ा है। अच्छा एक और बात, क्या आर आर और आर बी का डिफरेंस और डेल्टा आर और डेल्टा बी का डिफरेंस देखें जरा, डेल्टा बी और डेल्टा आर का डिफरेंस जरा करो, आई माइनस आर बी आई माइनस आर आर, तो यार आई आई कट गया, ये आंसर आएगा आर आर माइनस आर बी। मैं कह रहा हूं यार थीटा लाने के दो तरीके हैं, या तो तुम इससे ला दो तो भी थीटा आ जाएगा, या तो इससे ला दो तो भी थीटा आ जाएगा। क्या ये पूरी बात क्लियर है, नोट कर लें समझ लें?
नोट कर लिया है। तो यार अभी हमने सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन किया है, एयर से ग्लास में रे आई है और मैंने डिस्पर्जन करके दिखाया है। अभी मैं डिस्पर्जन यानी अलग अलग कलर में तोड़ने का काम स्लैब के थ्रू करने वाला हूं, ठीक है यार, एक ग्लास स्लैब के थ्रू यही काम करने वाला हूं। ये मैंने एक ग्लास की स्लैब ली है और यहां व्हाइट लाइट डाली है। क्या बता यार, व्हाइट लाइट का पहली बार रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। फिर जब रे आगे बढ़ेंगी, सोच के देखो, अगर ये आर आर एंगल था तो इस नॉर्मल के साथ ये एंगल भी आर आर होगा, नहीं, ये अगर आई एंगल था तो जब रेड बाहर निकलेगी तो किस एंगल पे बाहर निकलेगी, आई एंगल पे। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आई के करस्पॉन्डिंग आर आर है, तो आर आर के करस्पॉन्डिंग जब रे बाहर निकलेगी रेड वाली तो वो किस एंगल पे निकलेगी, है ना। क्या बता, इसका नॉर्मल के साथ आई एंगल होगा, होगा कि नहीं। इसी तरह से अगर मैं वॉयलेट की बात करूं, वॉयलेट का इनिशियल एंगल आई था, बाद में मान लिया ये आर भी हो गया, है ना। बताओ जब ये रे बाहर निकलेगी तब इसका एंगल फिर से क्या हो जाएगा, आई, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ यार, मैंने रेड वायलेट और येलो तीन ही दिखाए, इसके बीच में सारे होंगे यार। इसका मतलब क्या हुआ यार, पहले भी रेड आई एंगल पे थी नॉर्मल के साथ, अभी भी रेड नॉर्मल के साथ आई एंगल पे है, नहीं। तो इसका मतलब ये रेड और पुराना वाला रास्ता आपस में कैसा हो गया, पैरेलल। क्या ये वॉयलेट और पुराना वाला रास्ता वो भी क्या हो गया आपस में, अरे भाई वॉयलेट आई एंगल पे, व्हाइट भी आई एंगल पे, तो दोनों आपस में, नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे कि यहां बताओ रेड का डेविएशन कितना हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कितना है, तो तुम यार एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोलते हो। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते पे जा रही थी और जहां आप जाने लगी उसके बीच का एंगल। मुझे बताएं, रेड जिस रास्ते पे पहले थी वो ये वाला रास्ता ही तो है, और जहां अब जा रही है क्या वो दोनों रास्तों के बीच में कोई एंगल है, तो क्या इस सिचुएशन में डेल्टा आर जीरो है, क्या इस सिचुएशन में डेल्टा वी जीरो है। ओवरऑल दोनों बाउंड्री को पार करने के बाद जब रे बाहर निकली अल्टीमेटली, तो ना उसके रेड में कोई टर्निंग है ना कोई वॉयलेट में टर्निंग है। तो मुझे बताओ एंगुलर डिस्पर्जन थीटा क्या होगा यार, थीटा होता था रेड और वॉयलेट के बीच का एंगल। क्या बताओ, सारी रे जब आपस में पैरेलल हैं तो तुम थीटा क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। यानी यार इस तरह से हम एंगुलर डिस्पर्जन तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन डिस्पर्जन तब भी हो रहा है। क्या व्हाइट लाइट अलग अलग हुई है कि नहीं है, बिल्कुल हुई है। एंगुलर डिस्पर्जन एक फिजिकल पैरामीटर है जो ये बताता है कि कितने एंगुलर फासले में सारी रे फैली है। यहां वो एंगुलर फासला क्या है, जीरो है, लेकिन रे तो अलग अलग हुई है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो फिर यार यहां पे राइटर को खुराफा सूझी होगी कि कुछ तो पूछो यार, मतलब इस टॉपिक को ऐसे कैसे जाने दें, कुछ तो बच्चा पढ़े। मतलब भाई टॉपिक शुरू होता है तो कुछ ना कुछ जोड़ के कुछ फ्लेवर पेश कर दिए जाते हैं। तो यहां यार एक और चीज फैशन में आ गई पूछने के लिए, और उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या है, कि यार जिस रास्ते पर पहले जा रही थी और जहां जिस रास्ते अब जाने लगी उससे साइड वाइज खिसक गई कि नहीं। भले पैरेलल हैं लेकिन उनका साइड वाइज एक ही लाइन में थोड़ी है, इसकी लाइन और इसकी लाइन में कुछ फासला है कि नहीं, तो उसको बोल दिया लेटरल शिफ्ट ऑफ रेड। तो ये हो गया लेटरल शिफ्ट ऑफ वायलेट, नहीं यार डेल्टा भी क्या है, लेटरल शिफ्ट ऑफ वायलेट। तो यार ऐसा है कि हम लेटरल शिफ्ट पहले समझ लेते हैं। अच्छा यहां भी वही डायग्राम बना है, लेटरल शिफ्ट हम समझ लेते हैं तो हम लेटरल शिफ्ट सबका निकाल लेंगे, एक कलर का समझ लेते हैं। मैं यार एक कलर का लेटरल शिफ्ट समझाने के लिए यहां एक नई स्लैब बना रहा हूं, जनता समझेगी लेटरल शिफ्ट क्या होता है। इतनी बात पहले यहां समझ में आ गई है, मैं फिर से समराइज कर देता हूं। डेल्टा आर जीरो है, डेल्टा वी जीरो है, है ना, तो थीटा भी क्या होगा, जीरो होगा। ये सारी रेज पुराने वाले रास्ते के पैरेलल जा रही हैं। क्या इतनी बात जनता समझ गई है। जब मैं जनता बोलता हूं तो मैं तुमसे पूछ रहा होता हूं, समझ गया यार, कोई दिक्कत है।
क्योंकि थोड़ी देर बाद बोलोगे तो मैं भूल जाऊंगा। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है, बाद में पूछने नहीं देंगे। तो यार मैंने एक रे को किसी आई के एंगल पे इंसिडेंट किया है और वो पुराने रास्ते से, तो मैं पता है कि अगर ये आई एंगल है तो ये भी क्या होगा, क्या ये भी ओके यार, ये आर है तो ये भी आर होगा, आई के करस्पॉन्डिंग आर है तो आर के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मतलब रेड वाली नॉर्मल के साथ पहले भी आई पे थी, रेड वाली नॉर्मल के साथ अब भी आई पे है, तो इसका मतलब पहले वाला रास्ता और ये वाला रास्ता आपस में कैसा है, मैंने पिछले वाले रास्ते को थोड़ा आगे बढ़ाया है, तो क्या दोनों रास्ते आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो ये क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट मतलब कि रेड अभी जहां से जा रही है और पहले जहां से जा रही थी उसका साइड वाइज अंतर, ये दूरी का नाम क्या है, लेटरल शिफ्ट। तो यार ये दूरी निकालने के लिए हमें यार कोई दूरी तो पता होना चाहिए, तो आमतौर पर ये जो स्लैब है उसकी थिकनेस हम लोग टी बोल देते हैं, टी यहां पर क्या है, टी इज थिकनेस, हमें स्लैब का थिकनेस पता है और उसी के टर्म में हम बात करेंगे, टी इज थिकनेस, मोटाई है स्लैब की बताया जाता किसको, ये बताया लेटरल शिफ्ट एंगल है या दूरी है, दूरी है, तो दूरी को एंगल कैसे लिख सकते हैं, ये जो दूरी है उसके सामने वाला ये जो एंगल है ना वो आई माइनस आर है, नहीं देखो यार ये आई है तो ये पूरा भी आई होगा, और इतने को तुमने आर कहा है इतने को, तो बताओ ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, आई माइनस आर, क्या बताओ आई माइनस आर एंगल के सामने जो लंबाई है वो हमें निकालना है, क्या तुम्हें ये ट्राइंगल दिख रहा है, बी सी डी ए सी डी ट्राइंगल ए सी डी, क्या बताया ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में हमें एक एंगल पता है, एंगल ए क्या है, वो आई माइनस आर है, एंगल ए क्या है आई माइनस, और लेटरल शिफ्ट जब मैंने यहां डाला तो ये एंगल कितना है 90, तो तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, हमें आई के आई माइनस आर के सामने वाली ये लंबाई पता करना है, वही लेटरल शिफ्ट है। बताओ क्या करें जिससे लेटरल शिफ्ट आ जाए, क्या बता कॉस आई माइनस आर करोगे तो हमें उसमें बेस की जरूरत पड़ेगी एडी की, क्या एडी तुम कहीं से लाने में सक्षम हो, ओके मैं थोड़ी सी मदद करता हूं, मैं यहां पर साइन आई माइनस आर लगाने वाला हूं, तुम कहोगे ये क्या बात हुई यार, साइन आई माइनस आर में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके 90 अगर ये है तो हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस सॉरी मैं हाइपोटेनस इसको कह रहा था, तो यार हमें क्योंकि लेटरल शिफ्ट लाना है तो साइन लगाना ठीक रहेगा क्योंकि उसके सामने वाली लंबाई चाहिए, इसी को मैं लेटरल शिफ्ट कह रहा हूं, या ये जो साइन के सामने लंबाई है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, वही लेटरल शिफ्ट है कि नहीं, यार इस परपेंडिकुलर को मैंने लेटरल शिफ्ट LS नाम दे दिया है, LS यही हमें निकालना है, और हाइपोटेनस थोड़ी देर के लिए मैंने लिख दिया है ये AC, क्या ये सबको दिख रहा है, इस बात पे किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं, तो यार लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट हो जाएगा AC साइन आई माइनस आर, अगर AC ला पाए गिवन डेटा में तभी तो काम बनेगा यार, कि हम किसी तरीके से AC को गिवन डेटा से रिलेट कर सकते हैं, कैसे, यार एक और ट्राइंगल पे जरा ध्यान दें, ट्राइंगल ABC, यार इस ट्राइंगल में जरा ध्यान दें, क्या इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये एंगल R हमें पता है जो A पर है, और एंगल से लगा हुआ लेंथ उसी को तो थिकनेस बोला गया है, ये T हमें पता है और AC हमें वहां यूज करना है, हम क्या लगा दें यहां, बिल्कुल कॉस आर लगा दें तो वो आएगा कॉस आर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो यार AC जिसकी हमें सख्त जरूरत थी वो हमें यहां से मिल गया, आमतौर पे आई और आर तो हम स्नेल लॉ से ला ही देंगे, आई तो गिवन होगा, तो यार इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा और AC को गायब कर देते हैं तो बड़ी पहचाने पहचाने से टर्म बचेंगे, क्या क्या पहचाने पहचाने टर्म है, क्या थिकनेस अक्सर क्वेश्चन में दिया जाएगा, थिकनेस दिया जाएगा, आई दिया जाएगा, आर स्नेल लॉ से लाया जा सकता है, तो यार लेटरल शिफ्ट मैंने इन सारे पैरामीटर में समझा दिया है, क्या इतनी बात जनता को क्लियर है, अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला किस कलर के लिए था,
अरे किसी भी कलर के लिए था। तो यार अगर रेड के लिए लेटर शिफ्ट लिखोगे तो यहां आर आर आ जाएगा, वॉयलेट के लिखोगे तो यहां आरबी आएगा। आर आर आरबी कैसे लाते हैं ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो क्या यार हम लोग अब हम किसी भी कलर का लेटर शिफ्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका होगा टी साइन आई माइनस आर आर डिवाइड बाई कॉस आर, और इसका होगा टी साइन आई माइनस आर वी अपॉन कॉस आर वी। क्या समझ गई बात? क्या हर कलर का अब हम लेटर शिफ्ट लिखने में सक्षम है? क्या जनता ये पूरी बात रिलेट कर पा रही है? आम जनता आजकल वो नहीं आ रहा है? ओ ड्रीम इलेवन 49 लगाओ 200 पाओ। तो यार हम लोगों ने डिस्पर्जन सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन से कर लिया है, अभी डिस्पर्जन हमने पैरेलल फेस स्लैब में कर लिया है। सिंगल रिफ्रैक्शन में एंगुलर डिस्पर्जन होता था, है ना, वहां लेटर शिफ्ट की बात नहीं की थी, यहां एंगुलर डिस्पर्जन खत्म हो गया है, लेटर शिफ्ट की बात करी गई है। अभी हम लोगों को सबसे मेन डिस्कशन करना है जिसके लिए एक्चुअली इस टॉपिक पे ज्यादा बातें होती हैं, है ना यार? हमें सबसे अच्छा डिस्पर्जन किसमें देखने को मिलता है? प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। और उसको और अच्छा देखने के लिए मैं बाकी फालतू वाली रेज हटा देता हूं, इतने से काम बनेगा यार। तो क्या प्रिज्म में ये इतना ज्यादा रेज क्यों फैल जाती हैं? क्योंकि इसकी दो बार टर्निंग होती है, पहले एक सरफेस पे फिर दूसरी सरफेस पे। इस वजह से ये जो रेड और वायलेट है इनके बीच का जो फासला एंगुलर फासला है वो सबसे अच्छा होता है। नहीं यानी एंगुलर डिस्पर्जन अगर तुम देखना चाहते हो, एंगुलर डिस्पर्जन है ना, तो हमें प्रिज्म के थ्रू ही डिस्पर्जन कराना चाहिए। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? और प्रिज्म के लिए डेल्टा आर और डेल्टा वी के फॉर्मूले हम लोगों ने बहुत समय पहले किए थे, तो मैंने कहा था यार कि समय आने पे इनकी फिर से चर्चा होगी। देखो आज वो समय आ गया है। अब ये फॉर्मूले यार ऐसा है ना कि और सारे केसेस में तो बड़े गंदे गंदे थे, थिन प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूले सबसे बढ़िया थे। तो मतलब हम लोग एक्चुअली बात करना चाहते हैं, टॉपिक को बर्बाद नहीं करना चाहते। तो हम लोग इस प्रिज्म को कैसा मन में ख्याल ला दें कि ये थिन प्रिज्म है, तो यार हम लोग मान लेते हैं कि यार ये कैसा है, थिन प्रिज्म है। हालांकि डेल्टा आर डेल्टा वी की बात तो हम थिक प्रिज्म में भी कर सकते हैं, बल्कि डिस्पर्जन अच्छा देखना चाहते हो तो तुम्हें थिक प्रिज्म लेना चाहिए। लेकिन मैथ अच्छी करना चाहते हो, अभी यार मैथ अच्छी देखना चाहते हो तो तुम्हें क्या मान लेना चाहिए, चुपचाप थिन प्रिज्म। तो टॉपिक को आगे बढ़ाना है और इजी महसूस करना है तो हम लोग इसको थिन प्रिज्म के सहारे पढ़ लेते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम थिन प्रिज्म से ही डिस्पर्जन कराएंगे, अच्छा डिस्पर्जन देखना है तो थिक प्रिज्म यूज करना चाहिए। क्या बात क्लियर है? लेकिन अच्छे फॉर्मूले देखना है तो किसके थे? अरे थिक प्रिज्म का फॉर्मूला कोई बहुत अच्छा था, क्या था, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। फॉर्मूला देख के नहीं समझ में आता हम निकाल क्या रहे हैं। अरे भाई एन का फॉर्मूला कौन देता है? एन तो गिवन डेटा होता है। ओके तो डेल्टा का वो फॉर्मूला कौन सा अच्छा था? आई प्लस ए माइनस डेल्टा, आई प्लस ई माइनस ए, वो कौन सा बहुत बढ़िया था? तो ले देखे, अच्छा फॉर्मूला एक ही था, डेल्टा इक्वल टू ए एन माइनस वन। क्या जनता को याद है? खैर डिस्पर्जन को लेके एक टर्म हमने एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ा था, थीटा। थीटा इस केस में अगर थीटा मैं लिखना चाहूं तो थीटा होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, लेकिन डेल्टा वी डेल्टा आर हमें पता होंगे तभी ना, है ना यार? तो अगर मैं इस प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्जन लिखना चाहूं, एंगुलर डिस्पर्जन, और वो भी किसके लिए?
पहले तो यार एंगुलर डिस्पर्जन का जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं थीटा, तो वो होगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। अब मैं इस आंसर को थिन प्रिज्म के लिए थोड़ा और गुड लुकिंग फॉर्म में ले आता हूं। वैसे तो यार थीटा मतलब डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर शुरू से चल रहा है। बताओ डेल्टा बी को हम थिन प्रिज्म के लिए क्या लिख देते थे, ए एन माइनस वन, तो एन बी माइनस वन, और डेल्टा आर को ए एन आर माइनस वन। तो जरा इसको और सॉल्व करते हैं, क्या ये आएगा ए एन बी और ये आएगा ए एन आर और ये माइनस माइनस प्लस है, ए ए खत्म, ये आ गया ए एन बी माइनस एन आर। क्या यार एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला वैसे तो जनरल ये है, मगर थिन प्रिज्म के लिए वो फॉर्मूला ये हो गया है। जनता बताए कोई समस्या? तो यार एंगुलर डिस्पर्जन अगर पूछा जाए तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा, हम लोग अगर n और nr दिया है और a दिया है तो इससे निकाल लेंगे, और अगर थीटा डेल्टा भी डेल्टा आर सीधे क्वेश्चन में दिया है तो इसका मतलब बाबा बड़े दयालु हैं पूछने वाले, तो हम लोग सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि बाबा क्या चाहते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले बाबा दयालु हैं या नहीं है। हालांकि कंपटीशन में कोई भी बाबा बहुत दयालु नहीं होते हैं, केवल ट्रक में लिखी हुई वो लाइन वही यार बाबा पे भरोसा बढ़ाती है, वरना कोई बाबा दयालु है नहीं। एक और टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्सिव पावर। मैं यार बहुत समय तक सोचता रहा यार ये चीज क्या है, तो मैंने यार इस चीज को समझने के लिए एक फीलिंग जनरेट करी है। कहीं भी यार इसकी फीलिंग इसका मतलब दिया नहीं जाता है, तो मैंने बहुत कोशिश करके ये समझने की कोशिश की डिस्पर्सिव पावर चीज क्या है। तो डिस्पर्सिव पावर एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है जो हमारी एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन पे बेस्ड है। कैसी इमेजिनेशन? मुझे बताओ यार, हम अच्छा डिस्पर्जन देखना चाहते हैं तो हम रेड और वायलेट के बीच में एक एंगुलर फासला देखना चाहते हैं, यानी ये हमारी विश है कि थीटा ज्यादा से ज्यादा हो। थीटा ज्यादा से ज्यादा हो तो मैं कहूंगा वो अच्छा एंगुलर, अच्छी डिस्पर्सिव पावर है। किसी प्रिज्म की अच्छी डिस्पर्सिव पावर है मतलब उसका थीटा ज्यादा हो। अच्छा मुझे बताओ, एक प्रिज्म से तुम क्या उम्मीद करते हो, मैं रे डालू तो वो रेड को और वॉयलेट का एंगुलर फासला बना दे। ये एक प्रिज्म को मैं रे डालू वो रेड और वॉयलेट के बीच में एंगुलर फासला बढ़ा दे। देखो यार यहां भी एंगुलर फासला बढ़ाई है, ठीक है यहां भी बढ़ा है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? यार इन दोनों में अंतर क्या है कि यार इसका टर्निंग ओवरऑल ज्यादा हुआ है, दो बार टर्निंग, इसका ओवरऑल टर्निंग कम हुआ है। मैं कह रहा हूं यार कि एक प्रिज्म किसी एंगल के लिए रेड और वॉयलेट में बहुत बड़ा एंगुलर फासला दे रहा है ये, और एक कम दे रहा है, तो बताओ किसकी डिस्पर्सिव पावर अच्छी है, एक नंबर वाले की या दो नंबर वाले की? हाँ यार एक नंबर वाले का ओमेगा वन ओमेगा टू से बढ़िया है। नहीं, एक ये फीलिंग डेवलप करो, क्योंकि ये फासला ज्यादा दे रहा है ये फासला कम दे रहा है, इसकी मीन टर्निंग उतनी है जितनी मीन टर्निंग इसकी है। मीन टर्निंग का मतलब कि बंच जो है कुछ टर्न किया है, बंच टर्न किया, तो बंच को किससे रिप्रेजेंट करें? यार बंच को बीच वाले से रिप्रेजेंट करें, मीन से रिप्रेजेंट करें। ये पूरा बंच टर्न किया है, जितना यहां टर्न किया उतना लगभग यहां भी टर्न किया है, बट यहां का एंगुलर फासला ज्यादा है वहां का एंगुलर फासला कम है। अब एक और बात ध्यान दें यार, यहां भी बंच टर्न किया है मगर बंच पहले वाले रास्ते से यहां ज्यादा टर्न किया है वहां कम टर्न किया है, तो तुम क्या विश करते हो, इसकी विश करते हो या इसकी विश करते हो, पहले वाले की या दूसरे वाले की? यार तो ये एंगुलर फासला भी वही है, ये एंगुलर फासला भी वही है, थीटा सेम है, लेकिन इसका मीन रे कम टर्न किया है, इसका ज्यादा टर्न किया है, तो तुम क्या विश करते हो कि ये बंच टर्न करे, बंच घूमना तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है या थीटा ज्यादा होना प्रायोरिटी है? यार हमारी प्रायोरिटी, अगर तुम्हें डिस्पर्जन देखना है तो
तो यार बंच को घुमाना हमारा मकसद नहीं था, लेकिन बिना बंच घूमे थीटा देगा ही नहीं, तो बंच का घुमाना ये हमारा मकसद नहीं था, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसका क्या बता पूरी रे बिना घूमे ये थीटा दे सकती है, कोई ना घूमे और थीटा आ जाए, तो हम एक ऐसी इमेजिनेशन पाल रहे हैं कि यार ये बंच घूमे नहीं, बस जाए और फैल जाए, उसको हम अच्छा डिस्पर्सिव पावर कह रहे हैं। मतलब हम डेल्टा वाई नहीं चाहते, थीटा चाहते हैं, हम अपने काम की चीज चाहते हैं कि रे फैल जाए बट घूमे ना, ऐसी हमारी एक विश है, और जिसमें ये फीचर मिलेगा उसकी डिस्पर्सिव पावर अच्छी है। यानी ओमेगा की डेफिनेशन क्या है, थीटा चाहते हैं और बंच का घूमना नहीं चाहते हैं, तो बंच को रिप्रेजेंट करने वाला डेल्टा वाई। बस ये मैथमेटिकल टर्म ही किताबों में दिया जाता है, मैंने इसको फील करने की कोशिश करी है ताकि तुम्हें बता पाऊं कि इसका क्या मीनिंग निकलता है। बिना मीनिंग के मुझे नहीं लगता कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जान डालने वाला एक ही सब्जेक्ट, मैथ्स में जान डालने वाला एक ही सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगर फिजिक्स नहीं है तो यार फिर मैथ्स काला अक्षर बहस बराबर हो जाती है। तो ये मैथ्स को जो जिंदा रखे हुए वो कौन है, और फिजिक्स में मैथ्स में जान कौन डालता है, फिजिक्स के टीचर। आई एम द वन। तो यार हमने इस ओमेगा में थोड़ा जान डालने की कोशिश की है कि हम थीटा ज्यादा चाहते हैं और घुमाना कम चाहते हैं। डेल्टा वाई जितना कम होगा डिस्पर्सिव पावर बढ़िया है, थीटा जितना ज्यादा होगा डिस्पर्सिव पावर उतनी। ये उसके बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन दी गई है। हमने यार जब ये डेफिनेशन दी तो उस समय हमारी जो विश है उसमें थीटा और डेल्टा वाई की बात चली है, क्या प्रिज्म की किसी प्रॉपर्टी की बात चली है? नहीं ना, प्रिज्म की कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं चली है। दूसरा मुझे बताओ थिन प्रिज्म के लिए थीटा क्या आया है, ये, और येलो के लिए ये हो जाएगा ny माइनस वन। अरे डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा येलो वो होगा a ny माइनस वन, जैसे डेल्टा r था a nr माइनस वन। तो मुझे बता a कट गया, जो आंसर आया है क्या वो प्रिज्म के किसी पैरामीटर से रिलेटेड है? यार चले तो थे हम प्रिज्म से सबको समझने के लिए, लेकिन आंसर ऐसा आया है जैसे मानो इसका प्रिज्म से कोई लेना देना। तो डिस्पर्सिव पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म। यानी प्रिज्म का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, डिस्पर्सिव पावर केवल मटेरियल के एन से तय होगा। ये यार नोटिस करने वाली है, डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और जब मैं मटेरियल कह रहा हूं तो मटेरियल के किन बातों पे डिपेंड करता है, nv, nr और ny पे डिपेंड करता है ना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म या कोई भी प्रॉपर्टी प्रिज्म की, प्रिज्म के n पे डिपेंड करता है। तो n तो मटेरियल का होता है, उस मटेरियल से तुम प्रिज्म भी बना सकते हो, उस मटेरियल से तुम चश्मा बना सकते हो, उस मटेरियल से तुम टेलीस्कोप बना सकते हो। तो देखा जाए तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रिज्म का स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है डिस्पर्सिव पावर जैसी क्वांटिटी के बारे में बात करने के लिए। यानी यार क्वेश्चन में अगर एनवी एनआर एनवाई दिया है, ये बताए चाहे ना बताए कि प्रिज्म है या नहीं, उससे बनाया क्या है, डिस्पर्सिव पावर की बातें तब भी हो सकती है। मटेरियल बदलेगा, एनवी एनआर एनवाई बदलेगा, तो डिस्पर्सिव पावर भी बदल जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं, क्या आम जनता तक ये सारा संदेश पहुंच गया है? आम जनता क्लियर करें, क्या ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता। तो यार हो तो गया था टॉपिक पूरा, बट राइटर ने सोचा यार नहीं छोटा है अभी टॉपिक और खींचना है, जबरदस्ती में यूं ही, मतलब मैं जब इनके जवाब ढूंढता हूं कि ये क्यों पढ़ाया गया तो मुझे ये पता चलता है बस यूं ही। बहुत सारी चीजों के जवाब आज तक मैं ढूंढ रहा हूं कि ये क्यों खींचा गया टॉपिक, यहीं से खत्म कर देते है ना, तो बस वही कि मतलब बच्चे की जान लेने के लिए। तो यार हम लोग नहीं चाहते कि बच्चा चैन से रहे, जब स्कूल की बात आती है तो बच्चे को बहुत चैन दिया जाता है, छोटी किताबें होना चाहिए, हल्का बस्ता होना चाहिए, हल्का हल्का पढ़ाओ, स्पोर्ट्स कराओ, सब कुछ कराओ। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो एकदम यू टर्न,
किसी को कोई सिंपैथी नहीं स्टूडेंट से, ये जमाना है। जब तक स्कूल में रहते हैं तो मतलब कि बच्चे पे लोड नहीं देना चाहिए, प्रेशर नहीं देना चाहिए, काउंसलर रखना पड़ेगा स्कूल वालों को, दुनिया भर के ड्रामे, और उसके बाद जब कंपटीशन आता है 605 से नीचे MBBS नहीं है। तो इसका क्या मतलब, ये तो मतलब डबल स्टैंडर्ड हो गया। खैर, इसमें कोचिंग वालों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए मैं शांत हो जाता हूं। ये सारा कंपटीशन बढ़ाने वाले कोचिंग वाले हैं, अगर सारे पढ़ाना बंद कर दें तो बच्चा चैन से अपना घर पे स्कूल पढ़ेगा और कंपटीशन देके चला आएगा। तो मैं क्या करूं यार, पापी पेट का सवाल है भाई। इसमें तो यह है ना कि पहले सब बंद करें तो हम भी बंद कर देंगे। कोचिंग वालों ने सब प्रेशर बढ़ाया है। कोचिंग वाले ना होते कोचिंग वाले ना होते तो बच्चा चैन से अपना 12th की पढ़ाई करता स्कूल में गंदे तरीके से, और अपना जो अच्छे से पढ़ लेता खुद से सेल्फ स्टडी में, वो अपना ऐसा होता था पहले। हमेशा से कोचिंग नहीं थी यार, ये 90s के बाद से ही इसका प्रचलन ज्यादा बढ़ा है। 90s से पहले लोग यूं ही 12th की किताबें पढ़ के खुद से सेलेक्ट होते थे, और आज भी खुद ही से सेलेक्ट होते हैं। उस कोचिंग वाले तो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब मैं क्या बोलूं यार, मैं भी तो कर है यार, ये कड़वा सच है बट सच है। खैर, लेकिन कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं, कोई स्कूल वाला ऐसे पढ़ाता नहीं है, ये बात मान ले जनता, ठीक है। स्कूल वाले उस समय, मैं कह रहा हूं कि स्कूल वाले नहीं सिलेक्ट करवाते थे, बच्चा अपने मन से पढ़ के सिलेक्ट होता था। तो यार, कोच टॉपिक को हम लोग और खींचते हैं, और खींचना है तो थिन फिल्म को लेके खींचते हैं, नहीं तो फैल जाएगा, फट जाएगा, ठीक है यार। एक प्रिज्म एक बार टर्निंग करता है, दूसरी दोबारा टर्निंग करता है। अगर सेम फेवर में रख दोगे तो दोनों टर्निंग फेवरेबल होंगी, अपोजिट में रख दोगे तो पहला वाला अपने बेस की तरफ टर्न करेगा, दूसरा वाला, यहां मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के टर्निंग दिखाई, एक थिन प्रिज्म इतनी बड़ी टर्निंग थोड़ी करता है। तो पहली बार मान लिया Δ1 इधर टर्निंग हुई, दूसरी बार Δ2 इधर, तो नेट Δ कितना हो गया, Δ1 माइनस Δ2। अगर दोनों फेवरेबल होते तो देखो यार, इस कहानी के जरिए हम लोग फेवरेबल, नॉट फेवरेबल, दो फेवरेबल, एक अनफेवरेबल, ऐसी सारी बातें समझ सकते हैं। बस इसीलिए ये शायद टॉपिक खींचा गया, हम करेंगे एक फेवरेबल एक अपोजिट में, लेकिन तो क्या तुम समझ नहीं सकते, दो प्रिज्म फेवर में हो एक अपोज में हो तो क्या होगा, 2Δ+ में और 1Δ- में, नहीं। खैर, ऐसी भी बातें पूछी गई हैं जब डिस्कशन शुरू हुआ है। तो फिलहाल मैंने दो प्रिज्म को, एक ए का एंगल था, एक का ए प्राइम एंगल था, एक का NR, NV, NY दिया था, और एक का NR प्राइम, NV प्राइम, NY प्राइम दिया था। यानी दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, एक ने Δ1 का डेविएशन दिया है, दूसरे ने Δ2 का। तो बताओ यार, नेट डेविएशन रेड का कितना होगा यार, एक ने पॉजिटिव दिया है तो एक ने नेगेटिव, तो ये रेड का नेट डेविएशन होगा भाई। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ANR-1, तो एक बार फेवर में एक बार अपोज में। वॉयलेट का डेविएशन कितना होगा, ये होगा। कोई पूछे येलो का नेट डेविएशन कितना होगा, तो ये होगा। क्या नेट डेविएशन नहीं निकाल सकते? कोई पूछे अब ओवरऑल एंगुलर डिस्पर्जन कितना हुआ, ओवरऑल एंगुलर डिस्पर्जन, तो यार एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता था, रेड और वॉयलेट के बीच का एंगुलर फासला, बल्कि वॉयलेट पहले लिखना चाहिए, रेड बाद में। क्या यही तो होता था, दोनों के बीच का एंगुलर फासला? तो यार ये रेड का ओवरऑल एंगुलर टर्निंग है और ये वॉयलेट की ओवरऑल टर्निंग है, क्या वॉयलेट वाले से रेड वाले को घटा दो, इससे इसको घटा दो। तो जब तुम इससे इसको घटाओगे तो एक टर्म आएगा ANB-NR और एक आएगा, क्या ये समझ पा रहे हैं? या देखो, इसको लिखोगे ANB-1-A', NB' -1 में से क्या घटाओगे, ANR-1 A' NR-1। जब तुम इससे इसको घटाओगे तो इन दोनों के सबट्रैक्शन से ये आएगा और इसके इसके सबट्रैक्शन से ये आएगा। ये आंसर ऐसा नहीं आ गया जैसे माना कि दो प्रिज्म, यार ये पहचाना पहचाना सा टर्म नहीं लग रहा, ये एक प्रिज्म का थीटा हुआ करता था और ये दूसरे प्रिज्म का थीटा प्राइम है, तो उन्हीं का डिफरेंस आ गया है। यानी नेट एंगुलर डिस्पर्जन दो अलग अलग प्रिज्म कितना थीटा दे सकते थे, उनका डिफरेंस आ गया है। यानी अगर एक प्रिज्म होता तो थीटा देता, दूसरा होता तो थीटा प्राइम देता, उसका डिफरेंस आ गया है। क्या इतनी बात जनता समझ पा रही है? आम जनता बताए, क्या इसमें कोई दिक्कत है? हमने दो प्रिज्म के इफेक्ट में
रेड की ओवरऑल टर्निंग, वायलेट की ओवर टर्निंग, येलो की ओवरऑल टर्निंग और ओवरऑल एंगुलर डिस्पर्जन, ये सारी चीजें देख ली हैं। इतने पे बात रोक देते तो भी ठीक रहता, लेकिन राइटर नहीं चाहते थे कि हमारा चैन बहुत दिन तक रहे, तो उसने यार इस पे भी डिस्कशन बढ़ा दिया। उसने कहा कुछ, क्या कहा हुआ यार उसको, मैंने बहुत फील करने की कोशिश की तो ये जवाब मिला। ये जवाब क्या है कि यार पहली बार टर्निंग हुई, दूसरी बार हमने उसको कॉम्पनसेट करने का प्रयास किया, हालांकि कॉम्पनसेशन परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, व्हाइट का दोबारा व्हाइट बनाया नहीं जा सकता क्योंकि ये रेज साइड वाइज तो इधर उधर हो ही जाती है। तो क्या यार कि रे जिस रास्ते पे जा रही थी, नहीं, भीड़ का रिप्रेजेंट करने वाली लाइन उसी रास्ते पे अगर जा रही है, भीड़ को रिप्रेजेंट करने वाली मतलब येलो, अगर उसी रे में जा रही है उसी दिशा में, तो हम कहेंगे नो नेट मीन डेविएशन। क्या कहेंगे? नो नेट मीन डेविएशन, यानी येलो का रास्ता जहां जैसा पहले था, येलो का रास्ता अब भी उसी के पैरेलल है, तो मैं कहूंगा मीन रे में ओवरऑल टर्निंग जीरो है। यार मीन में हमने परफेक्ट मैचिंग करी कि ओवरऑल टर्निंग जीरो, तो जरूरी थोड़ी है रेड और वायलेट भी वैसे ही हो, वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, तो क्या रेड और वायलेट के बीच में एक एंगुलर फासला बनेगा कि नहीं? तो मैं कहूंगा थीटा बताओ अगर ये नहीं है, अगर येलो टर्न नहीं हुआ है तो थीटा बताओ। और दूसरी बात कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि थीटा ना आए, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाए, यानी थीटा क्या हो जाए जीरो, तो डेल्टा वाई क्या होगा? ये दो क्वेश्चन मैंने क्या बताया, पहले क्वेश्चन में क्या कहा, पहले में कहा है डेल्टा वाई नेट जीरो हो जाए तो थीटा बताओ, और दूसरे में क्या कहा, थीटा नेट जीरो हो जाए यानी रेड और वायलेट अगर पैरेलल हो जाए तो डेल्टा वाई बताओ। ये दो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहला है नेट मीन डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन, और दूसरा क्या है एवरेज डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्जन। मैं यहां पे यार कॉपी कर देता हूं, मैंने यार डेल्टा वाई नेट क्या लिखा था अभी थोड़ा देर पहले, ए एन वाई माइनस वन, ए प्राइम एन वाई प्राइम माइनस वन, और थीटा नेट क्या आया था, वो आया था ए एन बी माइनस एन आर, ए प्राइम एन बी प्राइम माइनस एन आर प्राइम, ये अभी अभी थोड़ा देर पहले निकाला था। और अब मैं क्या चाहता हूं, ये ना हो तो ये बताओ, ये ना हो तो ये बताओ, समझ गया यार? तो पहले मैं कहता हूं डेल्टा नेट जीरो है, मैं क्या कर रहा हूं इसको जीरो कर रहा हूं और इसको जीरो करके थीटा नेट का आंसर बता रहा हूं। तुम कहोगे यार इसका इससे क्या लेना देना, ऐसा है ना कि इस कंडीशन का यहां पे यूज करेंगे, कंडीशन क्या बनी है, ये और ये इक्वल है, ए एन बी माइनस एन वाई है, सॉरी ए एन वाई माइनस वन, ए प्राइम एन वाई प्राइम माइनस वन बराबर है, उसका हमें यहां यूज करना है। और यूज कैसे करेंगे, एक डेफिनेशन अभी अभी हमने डिस्पर्सिव पावर की पढ़ी है, ये पढ़िए, अरे ये पढ़िए कि नहीं, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि जहां एन वी माइनस एन आर लिखा है, एन वी माइनस एन आर, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इनटू, ये टर्म उधर पहुंचा दो तो क्या आएगा, एन वाई माइनस वन, नहीं मैं क्या करने वाला हूं, जहां ये लिखा है, जहां ये लिखा है वहां पे प्रकट कराने वाला हूं क्या, ओमेगा एन वाई माइनस वन, और जहां पे ये लिखा है वहां क्या प्रकट कराने वाला हूं, एन वाई प्राइम माइनस वन, नहीं तो इससे क्या हुआ, अरे इससे ये डिफरेंस थोड़ा गुड लुकिंग आ जाएगा, कुछ और नहीं हुआ। अच्छा दूसरी बात, क्या ये दोनों बराबर है ना, तो तुम्हें यार इस बार ए एन वाई माइनस वन भी नजर आ रहा है और ए प्राइम एन वाई प्राइम माइनस वन भी नजर आ रहा है, क्या दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं? यार दोनों को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम, यार ये उसका बेस्ट लुक है, इससे छोटा लुक संभव नहीं है, है ना। अब क्या इसको रटना चाहोगे, यार मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला कोई रट सकता है, तो इतना पैटर्न अगर समझ पा रहे हो तो इसको रिकवर कर लेना, रिकवरी ही इसका एक समाधान है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई? अगला है केस टू,
केस वन में हमने क्या किया, इसको जीरो कराया है और इसका आंसर गुड लुकिंग फॉर्म में लाया है। अब मैं किसको जीरो कराने वाला हूं, अब मैं इसको जीरो कराने वाला हूं और इसका आंसर लाने वाला हूं। यार डेल्टा वाई नेट का आंसर मैं लाने वाला हूं और किसको जीरो करा के, ओके बताओ। अच्छा इसको जीरो कराना है यार, अगर इसको कोई जीरो कराएगा तो ये रिजल्ट आएगा ए एन बी माइनस एन आर इज इक्वल टू ए प्राइम एन बी प्राइम माइनस एन आर प्राइम आएगा। इस बात को समझे जरा, इन दोनों को बराबर कर दिया है ये आएगा जब हम नेट जीरो कराएंगे। ये यही लिखना चाहिए था, जगह कुछ गड़बड़ हो गया, वो आया नहीं। इसको जीरो करना है और इसका आंसर लाना है, तो इसको जीरो करने पे ये कंडीशन बनी है, तो मैं इस कंडीशन को यहां अपीयर कराना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया फिर से, क्या एनवाई माइनस वन को एनवी माइनस एनआर अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, ये ओमेगा डिवाइड में चला जाएगा। तो जहां एनवी एनवाई माइनस वन है उसको मैंने एनवी माइनस एनआर बाई ओमेगा लिखा है, और जहां एनवाई प्राइम माइनस वन है वहां एनवी प्राइम माइनस एन प्राइम डिवाइड बाई ओमेगा। क्यों अपीयर कराया है, क्योंकि इस कंडीशन का हम फायदा उठाना चाह रहे थे। मुझे बताओ ये चीज और ये चीज क्या इस कंडीशन में बराबर है, तो इनको सेम नाम देके कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर ब्रैकेट के क्या बनेगा 1 बाई ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा प्राइम। ये उसका बेस्ट लुक है। अगर इस लुक को थोड़ा और बदलना हो तो इस चीज को एक बार फिर से क्या एनवाई माइनस 1 में अपियर करा सकते हैं, नहीं, और ये ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक और नया लुक आ जाएगा। चाहो तो ऐसे लुक में याद रखो, चाहे तो जैसे ऑप्शन दिए हो उसी लुक में हम फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, है ना। ये आंसर आ जाएगा ओमेगा अंदर जाने के बाद। क्या इतनी बात क्लियर है सर? तो अगर मटेरियल सेम है दोनों प्रिज्म का और एंगल डिफरेंट है तो हमेशा नेट एंगुलर डिस्पर्शन जीरो ही आएगा? अगर मटेरियल सेम है, एनवी एनआर सेम है और एंगल ऑफ प्रिज्म अलग है, एंगल ऑफ प्रिज्म अलग है, मटेरियल सेम है तो ओमेगा और ओमेगा प्राइम कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा। बिल्कुल मटेरियल सेम है तो सब कुछ, मटेरियल सेम है तो कोई भी नहीं आएगा, क्या ना डेल्टा वाई नेट आएगा ना थीटा नेट आएगा, कुछ नहीं आएगा। प्रिज्म के एंगल अलग अलग हैं तुम कह रही हो? यस सर। बेटा एंगल अलग है तो अच्छा ओमेगा का लेन देना एंगल से है ही नहीं है। ये क्या आया एन वाई माइनस वन, हाँ जो आंसर है कि प्रिज्म ओमेगा का लेन देना एंगल से है नहीं, तो अगर दोनों मटेरियल सेम है तो ओमेगा ओमेगा प्राइम सेम हो जाएंगे तो नेट मीन डेविएशन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल यही मतलब है इस आंसर का, यही मतलब है भाई इस मैथ से, यही निकल रहा है कि अगर ओमेगा ओमेगा प्राइम सेम है तो डेल्टा वाई नेट भी क्या आएगा, जीरो आएगा, एटलीस्ट थिन प्रिज्म के लिए तो आएगा। ये भी एक बात समझ लें कि हम सारे फॉर्मूले थिन प्रिज्म के लिए लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट थिन प्रिज्म के लिए तो हम श्योर हैं कि यही होगा, मैथ्स यही मैसेज दे रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? एक नाम और दिमाग में डाल लेते हैं हम लोग, ये जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि एक लेंस एक प्रिज्म अलग अलग कलर को अलग अलग टर्न करता है, उसी तरह से एक लेंस सामने से आने वाली व्हाइट लाइट, या जब मैं व्हाइट लाइट कहता हूं तो इसका मतलब उसके अंदर हर कलर मौजूद है, तो हर कलर मौजूद है तो क्या जब इसकी टर्निंग होगी तो सबसे ज्यादा टर्न कौन करेगा, हाँ सबसे ज्यादा टर्न करेगा वायलेट और सबसे कम टर्न कौन करेगा रेड। तो क्या बताया इस लेंस से जो इमेजेस बनेंगी वो एक पॉइंट पे कभी नहीं बनती हैं यार, इसका मतलब एक इमेज वायलेट की बनेगी और एक इमेज उनके बीच में फासला, ये फासला यार मैंने कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है एज ऑलवेज, कि बढ़ा चढ़ा के दिखाओ तो जनता को समझ नहीं आता है।
तो यार ये जब भी इमेज बनेगी तो वो ब्लर्ड सी नजर आएगी, उसमें रेड से लेकर वायलेट का एक दायरा होगा, मतलब एक्चुअली में वो रेड वायलेट यहीं आसपास होंगे, लेकिन वो इमेज बहुत परफेक्ट नहीं बनेगी। और इस तरह के इमेज को जिसमें रेड से वायलेट तक के सारे कलर अलग अलग नजर आते हैं उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन, ये नाम कहीं आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए क्रोमैटिक एब्रेशन का मतलब क्या है। कलर की वजह से इमेज की शार्पनेस कम हो जाती है, इमेज बहुत सारे कलर में नजर आने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। इतनी बात दिमाग में और डाल लें, इसी पे सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाएंगे।